हेलो, हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर। कल मैंने इसमें आपको क्या क्या था, कल मैंने आपको कल वर्ड मीनिंग्स लिखवाए थे, ठीक है? वर्ड मीनिंग्स लिखवाए थे और कुछ ने और आए वापस आए लर्न कर लिए, अगला ने नहीं किए हैं तो पहले उन्हें लर्न करो, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है? क्या नाम है चैप्टर का? दी ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। दी ऑर्गन्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, तो यहाँ पे बोला था गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स वॉट? गवर्नमेंट मीन्स वॉट? गवर्नमेंट मतलब क्या? किसको गवर्नमेंट कहोगे? मोदी जी को गवर्नमेंट बोलोगे, योगी जी को गवर्नमेंट बोलोगे, दोनों को गवर्नमेंट बोलोगे, किसी को भी गवर्नमेंट नहीं बोलोगे, इसको गवर्नमेंट बोलोगे? जैसे गवर्नमेंट और ही चीज हो गई। गवर्नमेंट मीन्स व्हाट? सोचो जरा और मुझे बताओ। और सोचने के लिए जब भी बोलता हूँ वीडियो को पॉज करके सोचा करो, ठीक है? जितनी देर सोच सको उतनी देर सोचा करो, वीडियो पॉज करके, ठीक है? वीडियो प्ले करके नहीं। आई होप आपने सोच लिया होगा। गवर्नमेंट हम किसको बोलते हैं? जब तीन चीजें मिलती हैं ना, तीन चीजें मिल जाती हैं, तब हम तीन चीजों को कंबाइंडली, तब उन चीज़ों को ग्रुप ले, तब उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं जो साथ में मिल जाए तो हम उनको गवर्नमेंट बोलते हैं? जैसे हम बॉडी, हम ह्यूमन बींग्स में हम कैसे बोले कि हमारे पास बॉडी है, तो बॉडी बोला कि हमारे पास सारे पार्ट्स होने चाहिए ना हमारे बॉडी के। हमारे पास हैंड्स होने चाहिए, हमारे पास लेग्स होने चाहिए, हमारे पास फेस होना चाहिए, हमारे पास एब्डोमेन होना चाहिए, हमारे पास बैक होनी चाहिए हमारे पास, तो हम जाकर बोलेंगे कि हमारी बॉडी है। तो ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट हमें बोलते हैं बॉडी को, जो दिखाई नहीं देती, जो ऐसा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके जो पार्ट्स है ना, पार्ट्स वो दिखाई देती है। अब वो अगर तीन पार्ट्स मिल गए तो हम उसको गवर्नमेंट बोलेंगे, अगर तीन पार्ट नहीं मिले तो हम उसको गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। तो कौन कौन से तीन पार्ट्स हम गवर्नमेंट बोलते हैं? लेजिस्लेचर को हम गवर्नमेंट बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, ठीक है? या फिर उसको मैं बोल सकता हूँ इस तरह से, द एग्जीक्यूटिव्स, जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं मैं इनको गवर्नमेंट बोलता हूँ। और जुडिशरी में होते हैं इनको गवर्नमेंट बोलते हैं। यानी गवर्नमेंट मतलब क्या? गवर्नमेंट मतलब मोदी योगी जी नहीं है। गवर्नमेंट मतलब क्या? लेजिस्लेशन में जो जो लोग बैठा हुआ है, लेजिस्लेशन का जो जो पार्ट है, वो सारे वो सभी लोग गवर्नमेंट कहलाएंगे। एग्जीक्यूटिव्स में जितने लोग आते हैं वो सारे लोग गवर्नमेंट कहलाएंगे। जुडिशरी के अंदर जितने भी सारे लोग आते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट कहलाएंगे, ठीक है? अब आते हैं लेजिस्लेचर के अंदर क्या कहता है। लेजिस्लेचर के अंदर दो हाउस आते हैं, पार्लियामेंट, हाउस का पार्लियामेंट। तो कौन कौन से हैं? एक तो नॉर्मल लोगों की सभा होती है जहाँ पर लोकसभा, और एक जहाँ पर स्टेट के लोगों की सभा होती है उसको बोलते हैं राज्यसभा। तो दो पार्लियामेंट ऑफ हाउसेस होता है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? लोकसभा के कितने मेंबर्स होते हैं सभी को सरकार बोला जाएगा। राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं सभी को सरकार बोला जाएगा, ठीक है? एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन आते हैं? एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? और इसमें भी काउंसिल ऑफ मेंबर्स हैं। काउंसिल ऑफ मेंबर्स मतलब कैसा हो सकता है? एजुकेशन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो किसी स्टेट का, ठीक है? कॉल मिनिस्टर हो, रेलवे मिनिस्टर हो, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है?
अलग अलग तरीके के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं एग्जेक्टिव, पर इनको भी गवर्नमेंट बोला जाता है, इनको भी क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट बोला जाता है, इनको भी क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट बोला जाता है। थर्ड थिंग जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन तीनों को भी गवर्नमेंट का ही पार्ट बोला जाता है, तीनों ही गवर्नमेंट का पार्ट बोला जाता है। तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का मीनिंग उसमें गवर्नमेंट मतलब सिक्स गवर्नमेंट नहीं बोलते, ठीक है, गवर्नमेंट में हम तब बोलते हैं जब वो किसी भी चीज़ के पास तीन तरह के फीचर्स हो, तीन में से कोई एक भी होगा तब उसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट बोल देंगे, ठीक है। जरा पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स मैनी एक्टिविटीज, किसी भी कंट्री को गवर्न करना है तो इसमें सारे काफ़ी सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स, द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन हेल्थ टू ऑल। जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द हेल्थ टू द सिटीजन सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बस ताकि वो एंश्योर करे, क्या एंश्योर करे, किसके सिटीजन जो हैं वो सिक्योर हैं या नहीं, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन हेल्थ टू ऑल, और ताकि वो एजुकेशन फैसिलिटीज और हेल्थ प्रोवाइड कर पा रहे हैं सबों को या नहीं, ये वो एंश्योर करें, ठीक है। इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी दैट इज यूज्ड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या कह रहा है, इट कलेक्ट टैक्सेस, ये गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हमसे पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है, अब टैक्स लेगी उसको हमारे बैंक के लिए खर्च करेगी, हाँ तो क्या लगता है, स्पेंड्स द मनी दस स्पेंड्स द मनी दस रेज, और जो इस तरह से पैसे उठाए जाते हैं, जिस तरह से पैसे लिए जाते हैं, किस तरह से टैक्स कलेक्ट करके जो पैसे कलेक्ट किए जाते हैं उसको वो खर्च कर देती है, किस चीज़ पर खर्च कर देती है, ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन इम्प्लीमेंटेशन, सॉरी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन डिफेंस, ऑन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन चीज़ों पर क्या कर देती है, वो टैक्स का पैसा खर्च कर देती है। फिर और गवर्नमेंट क्या करती है, इटका मतलब बात यहाँ पर गवर्नमेंट से, इटका मतलब यहाँ पर क्या है, बात गवर्नमेंट से है ना। और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, क्या चीज़, बहुत सारी कई क्या करती है, वेलफेयर स्कीम करती है, उनको फॉर्मुलेट करती है, ठीक है। सम पर्सन हैव टू टेक डिसीजंस ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज, कुछ लोगों को क्या होता है, डिसीजन लेना होता है, किसी का डिसीजन लेना होता है ना, हाउ टू ट्राई दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज को कैसे करें, इन एक्टिविटीज को कैसे करें, गो आउट मतलब ट्राई करना, ठीक है, इन एक्टिविटीज को कैसे करेंगे, किसी ना किसी को तो सोचना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है ना। अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजन, अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, कुछ लोग डिसाइड करेंगे कैसे करना है और कुछ लोग क्या करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। इफ वो डिस्प्यूट अराइज, इफ डिस्प्यूट अराइज ऑन दीज डिसीजन और इन देयर इम्प्लीमेंटेशन, देयर शुड बी सम वन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट और एंड रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग, वो कह रहा है अगर ये कुछ बनाने वाले कुछ करने वाले लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया कभी गलती से, तो वहाँ पर कोई तीसरा इंसान होना चाहिए, तीसरा इंसान किस होना चाहिए बताने के लिए, कौन सही है कौन गलत है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है सो टू अटेंड ऑल दिस टास्क, तो इन सारे कामों को करने के लिए सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज, बहुत सारे अरेंजमेंट्स आजकल की डेमोक्रेसी में किए गए हैं, कुछ अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन, तो इन अरेंजमेंट्स को क्या बोला गया, इंस्टीट्यूशन बोला गया, यानी कि इन्होंने सारे अरेंजमेंट कैसे किए, इन्होंने अरेंजमेंट्स के इंस्टीट्यूट बना बना था कि ये वाला काम आप संभालो, मेडिकल काम है तो मेडिकल इंस्टीट्यूट संभालेगा, ठीक है, कोई फाइनेंस का काम है तो फाइनेंस का इंस्टीट्यूट संभालेगा, ठीक है, तो वो ये लोग संभालेंगे, इनके लिए उन्होंने कैसा अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना दिए, ठीक है। आगे पढ़ो,
आर डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन द इंस्टीट्यूशन परफॉर्म्स पर्सन असाइन टू देम। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी अच्छे से काम कब करेगी, जब इंस्टीट्यूशन अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से कर दें। ठीक है, डेमोक्रेसी काम कब करेगी, जब ये सारे इंस्टीट्यूशन जिनको बनाया गया है इन सारे कामों को देखने के लिए, तो ये सारे लोग काम अच्छे से अगर करते हैं, सारे इंस्टीट्यूट अगर अच्छे से काम करें, तो हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से काम करेगी। ठीक है, तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, तो इंस्टीट्यूशन को तीन पार्ट्स में बनाए गए हैं। पहला लेजिस्लेचर, कुछ इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेशन को फॉलो कराते हैं, जो कुछ एग्जेक्टिव वाले और कुछ जुडिशरी में। ठीक है, लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल विद द पावर टू इनेक्ट लॉज फॉर द कंट्री। तो लेजिस्लेचर होता क्या, लेजिस्लेचर मतलब क्या, ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का इंस्टीट्यूट। लेजिस्लेशन मतलब कि ऐसे लोगों का ग्रुप बोलो, ऐसे लोगों का इंस्टीट्यूट बोलो, जहाँ पर जो लोग हैं ना वो लोग कौन से हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे लोग जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोग जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें रिप्रेजेंट करते हैं मतलब क्या, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। आप वोट देते हो सर, मैं अभी 18 ईयर्स की नहीं हुई तो मैं वोट दे नहीं पाती है। ठीक है, आपके घर में पेरेंट्स देते हैं, आपके आपके फैमिली के जितने एल्डर्स हैं वो सभी देते हैं। ठीक है, तो वो किसी ना किसी को वोट दे के आते होंगे। लेट्स सपोज मिस्टर एक्स को वोट दे कर आते हैं, मिस्टर एक्स को वोट दे के आते हैं, रियल नेम नहीं ऑफर यूज कर रहे हैं, मिस्टर एक्स को वोट दे कर आते हैं। ठीक है, क्यों दे कर आते हैं, सोचो जरा। इसलिए ताकि वो उससे उम्मीद करते हैं कि मिस्टर एक्स जो है ना हम लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे, कि वो मिस्टर ए जो है जिनको हमने वोट दिया वो हमारे बेटरमेंट के लिए काम करेंगे। ऑब्वियसली होता है, इसलिए हम वोट देने आते हैं कि जब ये टीम जीतेगी, समझ कर हमने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी जीत गई, तो हमारे बीजेपी को वोट देने का मतलब क्या, हमारी बीजेपी से उम्मीद थी कि जब ये जीतेंगे तो हमारे वेलफेयर के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो सपोज करो आपने आपकी लोकेलिटी के एक बीजेपी के मेंबर थे, उन्होंने इलेक्शन दिए, आपने उनको वोट दिया, ठीक है, वो जीत गए। ठीक है, अब वो जीत गए, अब वो गवर्नमेंट कैसा बन गया, गवर्नमेंट कैसा कैसा बन गया, गवर्नमेंट कैसा बन गया। अब देखो क्या होगा, जब भी कोई लॉ वगैरह बनेगा ना, लॉ वगैरह, तो उनसे पूछा जाएगा, सर ऐसा कैसे पूछेगा, हाँ उनसे पूछा जाता है। ठीक है, अब सपोज करो एक लॉ आता है, और वो लॉ ऐसा आता है कि आपकी जो लोकेलिटी है ना वहाँ पे इतने घर बने हुए, सारे घरों को तोड़कर वहाँ पे मॉल बनाना है। क्या बनाना है, वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल बनाना है। ठीक है, मॉल बनानी है, फैक्ट्री बनानी है। तो अब ये जो इंसान है ना, अब वो सपोज करो अगर ये आपसे पूछा जाता कि आपके घरों को तोड़कर वहाँ पे मॉल बनाया जाएगा, क्या आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे, ना। तो सेम चीज ही ये पर्सन करेगा जिसको आपने इलेक्ट किया ना, इसको आपने वोट देता है, ये पर्सन आप ही को रिप्रेजेंट करेगा, आप ही की जगह पर हमारा प्रेजेंस देगा और बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसे इंसानों को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जो आपको रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको सर ऐसा क्यों सिस्टम होता है, अरे बेटा भी बताओ, पार्लियामेंट में दो चीजें होती है, एक राज्यसभा लोकसभा। क्या लोकसभा में क्या पूरे 135 करोड़ की पॉपुलेशन बैठ सकती है, नहीं, 135 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं बैठ सकती, लेकिन 135 लोग जिसको पे भरोसा करते हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे 200-250 लोगों को सिलेक्ट करके वहाँ पे बैठा सकते हैं। तो 200-250 लोग क्या होते हैं, वो 200-250 लोग क्या करते हैं, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वो 200-250 लोग कौन होते हैं, जो भी लोग बैठते हैं उसके अंदर, अब वो लोग पूरे इंडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंडिया में जो 135 लोग कहना चाहते हैं वही वो 250 लोग कहना चाहते होते हैं। ठीक है, सुन, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। तो कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, इनको सिलेक्ट कौन करता है, हम लोग इलेक्ट करते हैं, किस लिए, विद पावर टू इनेक्ट लॉज फॉर आर कंट्री, ताकि हमारी कंट्री में नए नए लॉ ला पाए, ताकि हमारी कंट्री में नए नए लॉ ला पाए। ठीक है, द ऑर्गन कैन चेंज और अमेंड, दिस ऑर्गन कैन चेंज और अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इफ नेसेसरी। वो कह रहा है ये जो ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव वाला, ये ऑर्गन चाहे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। ठीक है, चाहे तो द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स
इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं जो लेसेस होता है ये गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। नो न्यू टैक्स कैन बी लेविड विदाउट द लेजिस्लेटिव परमिशन, कोई भी नया टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा, कोई भी नया टैक्स लेवी नहीं किया जाएगा विदाउट लेजिस्लेटिव परमिशन, बिना लेजिस्लेचर की परमिशन के। बिना लेजिस्लेचर की परमिशन मतलब होगा राज्यसभा लोकसभा की परमिशन के बगैर आप कोई भी नया लॉ नहीं ला सकते, ठीक है। इट ऑल्सो सेंक्शन ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, आपकी आर्मी होती है, आपको पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो लोगों को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इन सबों को कितना खर्चा करना है कितना खर्चा नहीं करना है, इन चीज़ों की मंजूरी कौन देता है, इन चीज़ों की मंजूरी कौन देता है, एक्सेप्टेंस कौन देता है, यही लेजिस्लेचर ही देता है, लेजिस्लेचर ही देता है, ठीक है। लेजिस्लेचर कंट्रोल से एग्जेक्टिव, और ये लेजिस्लेचर ना एग्जेक्टिव को कंट्रोल करते हैं, एग्जेक्टिव को कंट्रोल करते हैं सर, ये तो एग्जेक्टिव होते कौन है, समझो जरा क्या होते हैं एग्जेक्टिव। इट इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच एग्जीक्यूट्स लॉज एंड ऑल पॉलिसीज पास इन द लेजिस्लेचर, ये एक ऐसा ऑर्गन है, ये एक ऐसा ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वो हमारी गवर्नमेंट के कह सकते हैं बेसिकली, जो क्या कर सकता है, जो लॉ पास हो चुके हैं उनको इन प्रोसेस करना, उनको इन प्रोसेस करना, उनको प्रोसेस बनाना, उनको उनको पॉलिसीज बना देना, उनको रूल्स बना देना। सर हमें कोई लॉ चाहिए था, वहाँ पे हमने राज्यसभा लोकसभा में लोकसभा में राजसभा में मंजूरी ले ली, उनकी मंजूरी ले ली कि मंजूरी इनकम चलेगा नहीं, अब उसको रूल बनाना पड़ेगा ना कि ताकि सभी लोग फॉलो करें, तो सब लोग फॉलो करें, इसका काम राज्यसभा लोकसभा का नहीं है, सभी लोग फॉलो करें, ये काम कौन करवाएंगे, एग्जेक्टिव करेंगे, एग्जेक्टिव को कौन करवाएगा, प्रेसिडेंट, जैसे जिस दिन प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उस दिन सभी लोगों को उसको फॉलो करना कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है। इट इज द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच एग्जीक्यूट्स लॉज और पॉलिसीज पास इन द लेजिस्लेचर, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम द प्रेसिडेंट द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डाउन टू द लोएस्ट रैंक, वो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ले लो चाहे प्रेसिडेंट ले लो चाहे चीफ मिनिस्टर ले लो चाहे कोई भी ले लो चाहे कोई मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ले लो, वहाँ पर से अपर से लेकर लोअर तक जितने भी लोग हो सके सबको ले लो, वो सभी लोग इसके अंदर आते हैं, वो सभी लोग इसके अंदर आते हैं, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इकोनॉमी कंट्री एंड कैरीज द आउट द लॉज, तो इस लोगों का ना काम क्या होता है, इकोनॉमी को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को एडमिनिस्टर करना और लॉज वगैरह उनको फॉलो कराना, लॉज वगैरह उनको फॉलो कराना, लॉज हुए रूल्स हुए उनको फॉलो कराना, ठीक है। थर्ड आपका है जुडिशरी, थर्ड आपका क्या है जुडिशरी, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल, ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशरी, वो कह रहे हैं एक कंट्री जितने भी लेवल्स के जुडिस वो क्या कहते हैं कोर्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर जितने भी एक कंट्री में कोर्ट्स है उन सबको कंबाइनली उन सभी को ग्रुप में क्या बुलाता है, उन सभी को ग्रुप में क्या बुलाता है, उन सभी को ग्रुप में मिलाकर चलता है जुडिशरी बोला जाता है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वो ब्रांच है दैट एडमिनिस्टर जस्टिस, जो किसका ध्यान रखती है जस्टिस का, जो किसका ध्यान रखती है जस्टिस का, द मेन फंक्शन द मेन फंक्शन ऑफ द जुडिशरी आर टू इंटरप्रेट द लॉज, इन जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है, इंटरप्रेट करना लॉज को, लॉज का मीनिंग निकालना, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस, और लोगों के फंडामेंटल राइट्स का ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पॉज करके अब तक जितना पढ़ा है वो सारा पढ़ लो पहले, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं द लेजिस्लेचर, अब लेजिस्लेचर मतलब क्या कह रहा है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जिसको हिंदी में संसद भवन बोलते हैं, इज अ फेडरल एंड सुप्रीम
लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये एक जॉइंट और एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी बॉडी है इंडिया की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या चीज आती है, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर तीन चीज आती है, सॉरी मैंने गलत बोला, दो चीज इसके अंदर तीन चीज आती है, एक तो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा आता है लोअर हाउस, और तीसरा आता है अपर हाउस। सर लोअर हाउस मतलब क्या है, लोकसभा, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, ठीक है, तीन चीज आती है। तो राज्यसभा के बारे में पहले वो आपको बता रहे हैं, तो राज्यसभा से पहले मैं आपको लोकसभा बताता हूँ, ठीक है। लोकसभा पहले, हाँ लोकसभा क्या लिखा हुआ है, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल लोगों का घर। बेसिकली लोकसभा वो जगह है जहां पर हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, जहां पर हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, जिनको हमने वोट दिया होता है, जिनको हमने वोट दिया होता है, वो कहाँ पे बैठे होते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, ठीक है। द लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, द लोकसभा इज द हाउस ऑफ पीपल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लोअर हाउस और द पॉपुलर हाउस। ये लोकसभा क्या है, हाउस ऑफ पीपल है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको लोअर हाउस भी बोलते हैं और पॉपुलर हाउस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, कंपोजिशन, ठीक है, कि ये बना कैसे, बनता कैसे, लोकसभा बनता कैसे है। तो देखो सभा का मतलब तो समझो मीटिंग, एक ऐसा हाउस है जहाँ पर मीटिंग्स होती है, ये एक ऐसा हाउस है जहाँ पर क्या होती है, मीटिंग्स होती है, ठीक है। और किसकी मीटिंग्स होती है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन सभी की मीटिंग्स होती है, वो आपस में सोचते हैं कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है कंट्री के लिए, उनको क्या करती है, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। द लोकसभा इज कंपोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। वो कहते हैं लोकसभा जो होती है ना वो किससे कंपोज होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स से बनी ही होती है, ठीक है। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड एडल्ट सफरेज, और जिसको इलेक्ट किया जाता है उसको इलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, सफरेज फ्रेंचाइजी देती है, तो एडल्ट फ्रेंचाइजी अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसी के बेसिस पर एज का नंबर ही है, एज के बेसिस पर ही हम वो एज के, नहीं बेसिकली एडल्ट बोलो, हाँ एडल्ट हो, जिनको एज के बेसिस पर रिकेट करते हैं, बोर्ड देकर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एनर्जाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज नाउ 552। वो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो हाउस की, हाउस की स्ट्रेंथ मतलब क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं इस हाउस के अंदर, इस हाउस ऑफ पीपल के अंदर, इस लोकसभा के अंदर, इस लोअर हाउस के अंदर, वो कितने होते हैं, 552, कितने होते हैं, 552, हाँ इतने सारे लोग होते हैं, ठीक है। 530 मेंबर्स होते हैं टू रिप्रेजेंट स्टेट्स, 530 मेंबर्स का काम क्या होता है कि वो किसी स्टेट को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। 20 मेंबर्स का काम करता है कि वो रिप्रेजेंट करे यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। एंड नॉट मोर देन टू मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और दो लोग होते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कौन सेलेक्ट करते हैं, इसको कौन नॉमिनेट करते हैं, इनको कौन नॉमिनेट करते हैं, इनको नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, है ना। इफ इन हिज ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, सर प्रेसिडेंट उनको कब सेलेक्ट करेगा, उन दो लोगों को कब सेलेक्ट करेगा, तब तो सेलेक्ट करेगा जब उन्हें देखता है कि जो कम्युनिटी है एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही हाउस में, यानी हाउस पार्लियामेंट और हाउस के अंदर इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छे खासे लोग नहीं है, तो वो क्या करेगी, दो लोग अपनी तरफ से रिप्रेजेंट सजेस्ट कर देगी, ठीक है। द लोकसभा एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 542 मेंबर्स, 542 सही होते हैं, हाँ तो सात लोग कम है, सात लोग कम है, अभी वो कह रहे हैं कि अभी लोकसभा में कितने लोग प्रेजेंट है, 552, 555, सॉरी 555, ठीक है।
फिर 60 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। जैसे सर स्टेट्स के लोग तो पूरे हैं 530, ठीक है, बट जो राज्यसभा के लोग हैं वो थोड़े कम है। एंड 13 आर यूनियन टेरिटरी, 13 आर फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, और जो 13 लोग जो हैं जो वो यूनियन टेरिटरीज के भी पूरे हैं। वाइल टू अदर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और प्रेसिडेंट वाले पूरे, यानी बेसिकली देखा जाए तो दो लोग कम है। दो लोग किसके कम है? वो यूनियन टेरिटरीज के दो लोग कम है, ठीक है। फ्रेंचाइज एंड इलेक्शन का मतलब क्या है तो अभी कुछ बताएगा, नीचे बताएगा। द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जो लोकसभा होती है वो कैसे इलेक्ट किया जाते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किया जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जरा पढ़ो जरा। क्या लिखा हुआ है ये? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक सिटीजन इंडिया का कुछ 18 ईयर्स ऑफ एज, जो जिसकी एज कितनी है 18 ईयर्स है, कैन बी आ वोटर, कैन बी आ वोटर, वो वोटर बन सकता है, वो वोट देने दे सकता है टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, ताकि ताकि वो रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सके पार्लियामेंट के, ठीक है। एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर को भी क्या कर सके, वोट दे सके। ठीक है, जो पर्सन होना चाहिए जो 18 साल का ही पजेस्ट दिस राइट है विदाउट एनी, इस पर्सन के पास राइट होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का। डिस्क्रिमिनेशन किसके बेस पर नहीं होना चाहिए तो वो कहते विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, क्रीड के बेस पर, कलर के बेस पर, सेक्स के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, बिलीफ के बेस पर, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन फॉर द लोकसभा मेंबर्स, लोकसभा मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो वो कह रहा है आपको अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर एक सिटीजन होना चाहिए पहली बात तो, 25 ईयर्स ऑफ एज और अबव, आपकी एज 25 साल या 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। पजेसिंग सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे फिक्स्ड बाय लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, और सर उसके बाद वो सारी क्वालिफिकेशन जो कि टाइम टू टाइम पार्लियामेंट क्या करेगी ऑर्डर्स वो करती रहेगी, ठीक है। एंड रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और जो कैसा हो जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर्ड हो एज अ वोटर। अब मैं बताने वाला था कल मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, मीनिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है, लोकेलिटी, लोकेलिटीज। आपको वोट देना है तो आपका नाम उनके वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए, आपका नाम उनका वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए। अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में है तभी आप वोट दे पाओगे, तरफ वोटिंग नहीं दे पाओगे तो उनका नाम जैसे लिस्ट में होगा वो लिस्ट कहाँ पर बनेगी, आपके एरिया में बनेगी, उस लोकेलिटी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो एलिजिबल होनी चाहिए, आपका नाम लिखाना चाहिए, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वहाँ पर लिस्ट बनती है, उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी क्वालिटीज हैं तो फिर आप मेंबर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, क्योंकि ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन है जो अगर हमारे पास है तो हम बन ही नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एट सेंटर और स्टेट, अगर आप सेंटर और स्टेट लेवल पर कोई प्रॉफिटेबल वाला काम करते हो, कोई प्रॉफिट वाला काम कर रहे तो आप डिस्क्वालीफाई हो, तो आप मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है। इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर कोई पर्सन कैसा है अनसाउंड माइंड है, उसकी मेंटल सिचुएशन सही नहीं है, उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है, तो वो डिस्क्वालीफाई, वो मेंबर नहीं बन सकता, या फिर किसी कोर्ट ने उसको पागल बोल दिया है तो अभी वो क्या हो सकता है, वो लीडर नहीं बन सकता, वो क्या कर सकता है, वो मेंबर नहीं बन सकता लोकसभा का, ठीक है। इज अ प्रोक्लेम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और क्रिमिनल, अगर किसी गवर्नमेंट ने उसे डिक्लेयर कर दिया, अगर जज वगैरह ने उसे डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया,
ऑफेंडर या फिर क्रिमिनल, तो वो लोकसभा का मेंबर नहीं हो सकता। इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अगर वो कैसा इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मतलब आप डिक्लेयर कर दिया कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, इसके पास किसी को भी देने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे इंसानों को भी हम क्या कर सकते, क्या करेंगे, लोकसभा का मेंबर नहीं बनने देंगे। ठीक है, टर्म ऑफ लोकसभा, टर्म ऑफ द लोकसभा, द टर्म ऑफ द लोकसभा इज 5 ईयर्स। टर्म मतलब पीरियड, लोकसभा में इतने मेंबर सेलेक्ट होते हैं, वो उनके पीरियड होता है कि वो कितने टाइम के लिए पीरियड बने, हमेशा के लिए नहीं बनते, तो 5 साल के लिए बनते हैं, वो कितने साल के बनते हैं, 5 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, बट इट कैन बी डिजॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, वो कह रहा है कि होती तो 5 ईयर्स की है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल से छोटा भी टेंडर उनका कर सकती है, और ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी, ऐसा कब हुआ है। इलेवेंथ ट्वेल्थ और थर्टीन लोकसभा में ऐसा ही हुआ, इलेवेंथ और ट्वेल्थ और थर्टीन लोकसभा जो थी वहाँ पे लोगों का टेंडर सबसे कम कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? सब प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था, प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया था, यानी कि प्रेसिडेंट भी कब करेगा, प्रेसिडेंट भी ये काम कब करेंगे, प्रेसिडेंट भी ये काम कब करेंगे, ये काम वो तब करेंगे जब प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, इलेवेंथ ट्वेल्थ और थर्टीन लोकसभा कब कब हुई थी? इलेवेंथ हुई थी 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर 1997, ट्वेल्थ का हुई थी 26 अप्रैल 1999, थर्टीन का हुई थी 6 फरवरी 2004। ठीक है, एडिट याद कर लेना, एडिट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, पढ़ो अभी, ज़्यादा मैं चार्जिंग कनेक्ट कर लूँ। ड्यूरिंग अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन और डिक्लेरेशन, और ड्यूरिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड इट्स ओन टर्म। अब कह रहा है सर ये तो केस हो गया, पार्लियामेंट नॉर्मल तो 5 साल की होती है, प्रेसिडेंट चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और क्या सर ये एक्सटेंड भी हो सकती है? सर कम तो हो जाएगी कि एक्सटेंड हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकती है अगर कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, कंट्री में अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई तो पार्लियामेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा का जो टेन्योर है, लोकसभा का टेन्योर 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर इमरजेंसी 6 महीने से पहले खत्म हो गई, इमरजेंसी अगर 6 महीने से पहले खत्म हो गई, ठीक है, तो आपकी जो पार्लियामेंट है ना, जो आपकी लोकसभा है, तो फिर 1 साल नहीं, उसका टेन्योर को 6 महीने एक्सटेंड माना जाएगा। ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस, सर इस हाउस का लीडर कौन होता है, इस हाउस का मेन पर्सन कौन होता है? इस हाउस का मेन पर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, इस हाउस के मेन पर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इन दिस कैपेसिटी ही इज गिवन अ स्पेशल सीट ऑन द ट्रेजरी, ट्रेजरी बेंचेस। और इस कैपेसिटी में उनको प्राइम मिनिस्टर की कैपेसिटी होती है, उनके पास लीडर होते हैं वो, तो उनको पता है एक स्पेशल सीट दी जाती है और वो सीट पर बैठते हैं। सर सीट का नाम क्या है? ट्रेजरी बेंच, ट्रेजरी बेंच, उस पर बैठते हैं। ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन के लीडर कौन होते हैं? द लीडर ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रोवाइडेड बाय द पार्टी हैज एट लीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सर लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बोलोगे? सर वो हमारी अपोजिट पार्टी, एक तो हमारी अपोजिट पार्टी होनी चाहिए और उसके पास पास टोटल 1/10 मेंबरशिप होनी चाहिए, 1/10 मेंबरशिप होनी चाहिए, अगर उसमें 1/10 मेंबरशिप नहीं है तो वो हमारे अपोजिट में लीडर नहीं बन सकते। ठीक है, 1/10 मतलब क्या, टोटल सीट कितनी होती है? 552। पार्लियामेंट को बहुत लोकसभा के
तो 500 रुपये का अगर आप 500 रुपये का 10% निकालते तो 55.2% आता है, तो 55.2 आता है, तो 55 सीट कम से कम इनके, 55 नहीं तो 56 सीट कम से कम इनके पास होनी चाहिए। अगर इनका 56 सीट्स हैं तो ही अपोजिशन के लीडर कहलेंगे, अदरवाइज नहीं कहलेंगे। ठीक है, अंडर द लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट 1977 सर, इसके ऊपर भी एक्ट बन चुका है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन क्या करते हैं, ही और सी एंजॉय द सेम स्टेटस एंड फैसिलिटीज एज आर एंजॉयड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर, और इन सभी को वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो किसी भी एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती हैं। ठीक है, अब हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, जुकाम हो रहा है, कोल्ड भी हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, इतना ही करते हैं, इसको रीड करने देना। ठीक है।